रेलवे ने इंदौर से बांद्रा और इंदौर से दिल्ली सराय रोहिल्ला के लिए चलने वाली स्पेशल ट्रेन में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पेंट्री कार लगाने की व्यवस्था की है। अब इस गाड़ी में यात्रियों को ट्रेन के अंदर खान पान उपलब्ध रहेगा। शुक्रवार को रेलवे पीआरओ जितेंद्र कुमार जयंत ने बताया कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लंबी दूरी वाली कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच की भी व्यवस्था की गई है। इनमें पटना पुणे एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनें शामिल है। देखिए, इंदौर से तो अभी जो स्पेशली दिवाली की बात करें तो हम लोगों ने विशेष ट्रेनें चलाई हैं इंदौर से, एक तो दिल्ली के लिए चलाई है, एक इंदौर से बॉम्बे के लिए चलाई है, बांद्रा के लिए। इसके साथ में हम लोगों ने कुछ ट्रेनों में एडिशनल कोच भी लगाए हैं। इसके साथ हम लोग ये भी देख रहे हैं कि किन ट्रेनों में ज़्यादा रश है, उसके अगर एडिशनल कोच लग सकते हैं तो हम एडिशनल कोच लगाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। इसके साथ में वेस्टर्न रेलवे ने कुछ 3 ट्रेनें और चलाई हैं, जो एक तो गांधीधाम से भागलपुर है, वो बाया दाहोद रतलाम होते हुए जाएगी। एक गाड़ी है बांद्रा से लेके गोरखपुर, वो भी रतलाम होते हुए जाएगी, रतलाम दाहोद होते हुए। और एक गाड़ी और चलाई है मुंबई सेंट्रल से लखनऊ के बीच में, वो ट्रेन हमारी रतलाम और उज्जैन होते हुए सीधे भोपाल झांसी होते हुए निकल जाएगी। तो कुल मिला के एडिशनल ट्रेन चलाने की व्यवस्था की गई है और यहाँ के जो सराउंडिंग एरिया के लोग हैं उनको फायदा पहुँचाने के लिए। वहीं दूसरी ओर जो इंदौर रेलवे स्टेशन पर टिकट खिड़की को लेकर यात्रियों को परेशानी हो रही थी, उसे भी दूर करते हुए रेलवे ने बंद पड़ी टिकट खिड़कियां शुरू कर दी है।